हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 22 अक्टूबर तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, मैथ, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि जितनी भी मैंने रीजनिंग और मैथ पढ़ाई है आपको, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, मैं उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे एक त्रिभुज का निशान है ना, उस पर क्लिक करके खुल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा महाजन क्या है? तो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर एक ऑप्शन दे रखा होगा, तो वो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है। नीति आयोग का गठन, तो देखिए नीति आयोग से आपके लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपका कभी पूछ जाता है फुल फॉर्म, कभी पूछ जाता है अध्यक्ष, कुछ भी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। तो ये नीति आयोग का गठन पूछ लेगा, तो 1 जनवरी 2015 राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है 2018 में? तो आपका 103 राइट आंसर हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखिए जो अभी चेंज हुए हैं ये आपके बन गए हैं अभी, रंजन गोगोई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल की दूसरी कैपिटल क्या है? धर्मशाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अर्जेंटीना की करेंसी पूछी गई थी, तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है आपकी? पैसो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। स्मॉलेस्ट बोन सभी को पता है, स्टेपीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लगातार मतलब क्वेश्चंस जो रिपीट भी हो रहे हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट भी हो रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, मैंने 1000 क्वेश्चन की जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट है उनकी वीडियो, प्लस जो मैथ के क्वेश्चंस रिपीट हुए उनकी वीडियो, और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनकी वीडियो अपलोड कर दिए चैनल पे। लिंक उनका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जितने भी लिंक दे रखे हैं वो सारी की सारी वीडियोज़। ठीक है, एक यहाँ पे था पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये आपका रियो दी जेनेरो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था आपका, बर्फी मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो बर्फी मूवी के डायरेक्टर कौन हो जाएगा? अनुराग बासु राइट आंसर हो जाएगा। एसआई यूनिट से भी लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एसआई यूनिट का क्वेश्चन था कि पावर की एसआई यूनिट, तो वोट हो जाएगी, सभी को पता है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका पूछा गया था। ठीक है, एक था आपका कि मूर्ति अवार्ड 2017 किसको मिला, तो जोए गोस्वामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोवा के सीएम भी पूछे गए थे, मनोहर पारिकर, आप सभी को पता होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, मिडनाइट चिल्ड्रन बुक किसने लिखी है? ये आपका सलमान रुश्दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आपका, राइबो न्यूक्लियस एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कहाँ रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी दे रखा था ये, और यदि यहाँ पे दिया गया, यदि धातु को पारे में पारे के साथ मिलाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एमलगम, इसको राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको जो जीके के मिले हैं। और अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, और वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे टॉपिक, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस लेवल तक आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था रीजनिंग में, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो देखिए यहाँ पे दे रखा था HDFC, एक्सिस, SBI और ICICI। तो इनमें से सीधा सीधा नज़र आ रहा है, ये भी प्राइवेट बैंक है, ये भी प्राइवेट बैंक है और ये भी प्राइवेट बैंक है। SBI आपका गवर्नमेंट बैंक है, तो यही भिन्न हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि कुछ धातु खतरे नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ धातु खतरे नहीं है, अभी तक आपने देखा होगा कुछ धातु खतरे हैं या फिर कुछ वाली कंडीशन है में देखी होगी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ धातु खतरे नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले धातु का एक वेन डायग्राम बनाना है और उसमें हल्का सा एक पॉइंट बनाना है और वो पॉइंट को बाहर निकाल के बनाना है खतरे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कुछ धातु में खतरा नहीं है, यानी कि कुछ धातु यहाँ पे, एक तो ये चीज़ मत सोचिएगा कि धातु और खतरे का क्या मतलब है, जैसा क्वेश्चन में बोल दिया जाता है वैसे ही आपको क्वेश्चन करना होता है। तो कुछ धातु खतरे नहीं है, हमने इस तरीके से बना दिया। फिर यहाँ पे बोला गया कुछ खतरे तत्व हैं, तो
खतरे में हमने हल्का सा कट लगाया और ये कुछ खतरे तत्व हो गए। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं? पहला निष्कर्ष है कुछ तत्व धातु नहीं है, तो तत्व और धातु का तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया, तो इसका मतलब ये तो रोंग हो जाएगा। ठीक है, जब इनके बीच में कुछ बात ही नहीं की गई कथन में, तो इनके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका सभी तत्व खतरे हैं, तो सभी तत्व भी खतरे आपका नहीं हो सकता है। सभी तत्व यानी कुछ तत्व तो आपके खतरे हो सकते हैं, बट सभी तत्व आपके खतरे नहीं हो सकते, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों आपके निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके एक वोटर इमेज से क्वेश्चन था कि इस तरीके से मैट लिखा था, उसको मैं बताना था आपको वोटर इमेज क्या बनेगी। तो मैट का देखिए वोटर इमेज बनाइए चाहे आप मिरर इमेज बनाइए, बस आपको ध्यान ये रखना है कि मिरर रखा कहाँ है। जब वोटर इमेज की बात की जाती है तो मान लीजिए बस मिरर नीचे रखा है, और जब मिरर इमेज की बात की जाती है तो मान लीजिए बस मिरर साइड में रखा है। इतना ही फर्क होता है और कुछ भी फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो मैट लिखा है आपने क्या क्या किया एम को यहाँ पे इस तरीके से, जो चीज़ें मिरर के पास में बस पास में रखनी है। तो मिरर के पास में देखिए अगर मैं इस तरीके से लिखूँ यहाँ पे वोटर इमेज में मिरर नीचे रखा है, तो ये मिरर के पास में आपका खुला हुआ पोर्शन एम का है, तो मैंने नीचे से भी खुला हुआ पोर्शन ये एम का मिरर के पास कर दिया। फिर ए भी ऐसे बनाएंगे और टी भी ऐसे बनाएंगे, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था सीमेंट ईंट और भवन का वेन डायग्राम बनाना था। सॉरी, तो देखिए सीमेंट और ईंट से मिलके क्या बनता है? भवन। तो सीमेंट और ईंट किसके अंदर आ जाएगी? भवन के। तो ये वाला आपका वेन डायग्राम सेटिस्फाई हो जाएगा। वेन डायग्राम के बहुत ही इजी जिसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था आपका सीरीज का, ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी थी। यहाँ पे दे रखा था 16, 28, 52 और यहाँ पे दे रखा था आपको खाली स्थान और 196। यहाँ पे अगर सीरीज को देखा जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका कुछ भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? बेसिकली मल्टीप्लाई माइनस फोर चल रहा है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई की 16 में 20 माइनस फोर किया तो आपका 28 आ जाएगा, यानी कि 16 टू जो आपका कितना हो जाएगा 32, माइनस फोर करेंगे तो 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 इंटू 2 और माइनस करेंगे 4 तो आपका 52 हो जाएगा। 52 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 104, 104 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200, 200 में से माइनस करेंगे 4 तो आपका 96 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या बन गया 100 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सीरीज देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है 17, 187, 2057 और ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इंक्रीजिंग होगी और वो भी इतनी स्पीड से, देखिए 17 से और तीसरे में ही आपका कितना चला गया 2000 में चला गया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई चल रही है। ठीक है, सॉरी, जब भी बात की जाती है आपकी स्क्वायर की क्यूब की, वो सीधा सीधा नज़र आता है कि जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर किया जाता है तो उसमें जब स्क्वायर किया जाता है या फिर क्यूब किया जाता है, वो किसी नंबर का स्क्वायर क्यूब होता है, तो समझ में आ जाता है कि किसी न किसी नंबर का स्क्वायर क्यूब चल रहा है। बट मल्टीप्लाई होगी वो समझ में एकदम नहीं आएगी, और जब बहुत स्पीड से होगी तो बस आपको ये सोचना है किसी न किसी बड़े नंबर की मल्टीप्लाई चल रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा 11 की मल्टीप्लाई करके तो 187 है, 187 में 11 की मल्टीप्लाई की तो 2057 है, और यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 22,627 हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22,627 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कोडिंग डिकोडिंग से, यहाँ पे लिखा गया है कोर्स को ESRUOC लिखा जाएगा, तो ब्रीथ को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, मतलब कि जो आपका लास्ट है उसको फर्स्ट बना दिया, सेकंड लास्ट को आपका सेकंड फर्स्ट बना दिया, इसी तरीके से आपको उल्टा करके लिख देना है सारे के सारे। अगर आप ये वाली सीरीज समझ गए हैं तो आप ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना था कि ब्रीथ को कैसे लिखेंगे, तो ब्रीथ को आप कैसे क्या लिखेंगे, एच को फर्स्ट, लास्ट वाले को फर्स्ट बना देंगे, सेकंड लास्ट वाले को आप सेकंड फर्स्ट बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत कम मिल पा रहे हैं क्योंकि बच्चे सेंड नहीं करते, तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? अगर आपका किसी का एग्जाम रहता है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है सबसे पहले, वहाँ से आप मुझे क्वेश्चंस भेज भी सकते हैं और बहुत सारी PDF वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए और बी के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है, ए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 बजे चलना शुरू करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। ठीक है, ए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 बजे चलना शुरू करता है, उसके 2 घंटे बाद बी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर देता है, वह कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे? अब क्वेश्चन को आप छुपा देते हैं यहाँ पे, अगर समझने में प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी दो फ्रेंड है मान लीजिए, उनके बीच की दूरी जो है वो 320 किलोमीटर है।
इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ को चलना स्टार्ट किया। चलने की कंडीशन क्या रही कि ये पहले ए वाला जो है ये पहले चल 9 बजे चलना स्टार्ट कर दिया और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और इसने 2 घंटे बी ने 2 घंटे बाद चलना स्टार्ट किया यानी कि इसने 11 बजे चलना स्टार्ट किया। अब पूछा कि दोनों के दोनों किस टाइम पर ये मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि कितनी देर बाद मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है भाई, ये 2 घंटे पहले चल रहा है, ये 2 घंटे बाद चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 घंटे पहले चल रहा है। तो ये 2 घंटे में कितना चलेगा, जब ये चलना स्टार्ट करेगा ये कितना चल चुका होगा। तो ये 1 घंटे में 70 चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 140। तो हम क्या करेंगे, इस 320 में से इस 140 को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि ए ने अकेले ने कवर किया है 140, ठीक है ना। तो 320 में से 140 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 180। अब इस 180 को कवर करेंगे दोनों के दोनों। अब 11 बजे से यानी कि 140 चला है ए पहले चल के 11 बजे तक, वो हमने माइनस कर दिया, अब बचा 180। 180 में दोनों ने चलना स्टार्ट किया 11 बजे दोनों ने, मान लीजिए, ठीक है। तो इसने 70 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया और इसने 20 की, तो कितना हो गया आपका 90 किलोमीटर, ठीक है। तो 70 और 20 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों ने चलना, यानी कि दोनों का मिला दिया हमने, क्योंकि जब भी एक दूसरे की तरफ को चलते हैं तो स्पीड को प्लस कर लेते हैं और जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हमने दोनों की स्पीड को प्लस कर लिया, तो 180 जो टोटल डिस्टेंस थी इसको डिवाइड कर देंगे 90 से, तो कितना आएगा आपका 2 घंटे, 0 से 0 कट जाएगी और 2 घंटे यानी कि 2 घंटे बाद ये मिल जाएंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करा रखे हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करा रखे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी 8 दिन में कर लेता है, ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया था, तो सी के शेयर क्या होगा, यानी कि सी ने भी काम कराया ना इसमें, अगर सी काम कराता है तो सी का शेयर कितना होगा ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी 6 दिन में कर लेते हैं, ए अकेला 6 दिन में कर लेता है, बी अकेला 8 दिन में कर लेता है और ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में कर लेते हैं। तो इन सभी का ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया 24, ही आ गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क आपका। तो 24 को 6 से भाग करेंगे कितना होगा, 4, यानी कि ए एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर लेता है, 24 को 8 से भाग करेंगे, बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर लेता है, 24 को 3 से भाग करेंगे, तो ए बी सी तीनों मिलकर 1 दिन में 8 यूनिट वर्क कर लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि सी कितना करता है, हमें पता है सेपरेटली ए तो 4 करता है, बी 3 करता है, तो सी कितना करता होगा अकेला, तो सी 1 दिन में 1 यूनिट वर्क करेगा, क्योंकि 4 और 3 7 और 8 में से 7 को माइनस करेंगे ए और बी का, तो 1 बचेगा, 1 किसका होगा, वो सी का होगा। तो यहाँ पे सी का शेयर कितना रहेगा, 1। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सी का शेयर कितना रहेगा, तो 2400 तो आपका टोटल यूनिट वर्क है, बट इन्हें कितना जो मिलेगा रुपए, ए और बी को जो ठेका लिया था इन्होंने 3200 का, तो 3200 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। क्यों करेंगे भाई 8 से, क्योंकि तीनों मिलके 8 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में और इसमें से सी अकेला 1 यूनिट करता है, तो सी का ही पूछा है सी को कितना मिलेगा। तो 3200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 400 ही आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि जो बी का शेयर सी का शेयर रहेगा वो कितना रहेगा, 400, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 25% लॉस होता है, 25% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचें। तो यहाँ पे 350 रुपये में बेचने पर अगर 25% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये जो वैल्यू है 350, ये 75% के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि सीपी आपकी 100 होती है और सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा कितना, 75, 350, तो ये 75% के इक्वल हो जाएगी क्योंकि इसमें 25% का लॉस भी इंक्लूड है। तो 350 को हमने 75 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इसको हमें बनाना कितना है, 25% के प्रॉफिट के इक्वल। 25% का प्रॉफिट का मतलब है कि 100 प्लस 25, सीपी से ऊपर जाएगा 25%, तभी तो 25% प्रॉफिट कमाया जाएगा, तो इसको हमें 125% के इक्वल बनाना है। तो 350 को हम 75 से भाग करेंगे और 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 25 से इसको कट करेंगे 3 टाइम और इसको कट करेंगे 5 टाइम, तो कितने हो जाएगा, इसी आपका 583.33 समथिंग आएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिजिट इधर उधर हो सकती है आपकी, बट यहाँ पे कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार ने 2 बुक 1200 रुपये में खरीदी, एक बुक पर उसने 20% प्रॉफिट कमाया, दूसरी बुक पर उसने 16% प्रॉफिट कमाया और दोनों बुक में कंबाइन प्रॉफिट जो कमाया उसने 19% का होता है, तो दोनों बुक के प्राइस क्या होंगे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमें मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड लगा के सोल्व किया जा सकता है
कैसे बुक वन और बुक टू है, जिसमें एक में तो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरे में 16% का प्रॉफिट कमा रहा है, और जो इसको दोनों ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो कितना 19% का हुआ है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है कि जो बीच में वैल्यू रखी जाती है, ओवरऑल जो एवरेज वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है, वो एक से तो आपकी बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे वन, इसमें से इसको माइनस करेंगे थ्री, तो 3:1 का रेशो हो जाएगा इन बुक का, बुक के प्राइस का। तो यही पूछा गया है कि इनके बुक के प्राइस का मतलब कितने के प्राइस की हैं। तो यहाँ पे 1200 रुपये तो टोटल वैल्यू है, तो 1200 का आप 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 और 4 दो यानी कि दोनों का अलग रेशो है, तो 3 और 1 4, तो 1200 को 4 से भाग करेंगे। बुक वन का प्राइस मुझे निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बुक टू का प्राइस निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 300 बार जाएगा, 300 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 900, और 300 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 300 ही रह जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो देखिए, हेमा और श्यामा की आयु का यहाँ पे रेशो दे रखा है 3:5 का, ठीक है। और बोला गया है कि हेमा की आयु श्यामा की आयु से कितनी 8 वर्ष कम है, बट यहाँ पे एक्चुअल में अगर जो मैं देखूँ तो इनका रेशियो का डिफरेंस तो केवल 2 का है, बट इनके एक्चुअल जो डिफरेंस है एज में वो 8 वर्ष का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 5 का डिफरेंस 2 और 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4। तो 1:4 बराबर आपका 4 है। तो यहाँ पे जिसकी भी एज निकालने के लिए बोली गई है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या करना है, 1 बराबर आपका 4 है, तो 8 वर्ष कम हो तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो 2 बराबर आपका 8 हो गया, 1 बराबर 4 हो गया, तो 1:1 के बराबर आपका 4 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई 4 में कर देनी है, क्योंकि 1:4 है, तो 5:20 क्या हो जाएगा, 20। पूछा है 4 वर्ष बाद श्यामा की आयु क्या होगी, तो ये जो 20 आया है इसमें हमें 4 प्लस करना पड़ेगा, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो 24 वर्ष हो जाएगी, यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही थे कुछ क्वेश्चंस। तो हम बात कर लेते हैं अभी रीजनिंग के टॉपिक की, फिर मैथ के टॉपिक की, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग का टॉपिक है जो फिक्स है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से अच्छे खासे क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से भी हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मिरर इमेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में है, और सिलोगिज्म से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, इनसे क्वेश्चन है, आपके सीरीज से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग काउंटिंग फिगर इन सभी से क्वेश्चन है, क्लोक हो गया आपका, कैलेंडर हो गया, इनसे भी क्वेश्चन है, बट इन इतना बच्चों ने बताया नहीं कि कितने कितने क्वेश्चन है और किसी शिफ्ट में बताया किसी शिफ्ट में नहीं बताया। तो अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए मैथ की, तो मैथ में आपका एज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिला है, ये मैंने आपको कराया भी एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइपलाइन सिस्टम से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेन हो गया, परसेंटेज हो गया, और आपका मेंसुरेशन हो गया। ये कुछ चैप्टर हैं जो आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम स्क्वायर रूट मेंसुरेशन, डीआई आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, डीआई में आपका बार ग्राफ वाला पूछ लिया जा रहा है, अलग अलग तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, और ये डीआई वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा एग्जैक्ट याद रखना तो मुश्किल सा ही लगता है, अगर कोई बच्चा करके आया हो पूरा का पूरा तो वो तो फिर भी थोड़ा बहुत बता सकता है। और यहाँ पर बात कीजिए बोर्ड मार्क्स से भी क्वेश्चन आपके 3-4 देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यही था पूरी वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा टॉपिक स्टडी, तो आपको वहाँ पर इजिली मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।